नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण बेस व्लॉग्स में। और आज सैटरडे है, वीकेंड का दिन है। और आइए नैनीताल में आप वेदर देखिए कितना शानदार ही है। और मैं निकल पड़ा हूँ आज अपनी ट्रिप पे। और चलिए ऐसे ही बने रहिए मेरे व्लॉग्स पे और आप आगे देखेंगे यहाँ के, मैं आपको स्पेशल यहाँ पे जो व्यूज़ हैं नियर ऑफ द सिटी और हम सब कवर करेंगे। तो प्लीज़ डोंट मिस द व्लॉग और चलिए बने रहिए ऐसे ही मेरे व्लॉग में। मिलते हैं बहुत ही जल्द। मैं हूं अभी कैची धाम मंदिर में, नैनीताल के समीप है ये मंदिर। और ये मंदिर श्री बाबा नीम करोली महाराज जी का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये जो मंदिर मेरे पीछे हैं। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाता हूं आपको यहां पे कैसा है व्यू। कुछ ऐसा है बाबा जी का धाम। और आइए आप देख सकते हैं जो कि मेरे बैकग्राउंड में ये आप देख सकते हैं, ये है कैची मंदिर। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। और ये है इसका मंदिर का मुख्य द्वार। बस मैं पहुंचने ही वाला हूं मंदिर के मुख्य द्वार में। तो आइए दिखाता हूं आपको क्या कुछ हो रहा है यहां पे, कितनी क्या गतिविधियाँ चल रही हैं और कितने भक्त श्रद्धालुगण आज के दिन यहां पे हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। यही है श्री बाबा नीप करौली महाराज जी का धाम, जो कि मंदिर है कैची धाम नाम से। और ये बहुत ही पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। और आप देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में जो कि ये एंट्रेंस गेट है। तो आइए एंट्री करेंगे अंदर की तरफ। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। और ये कुछ ऐसा है, हाँ देख सकते हैं। और यहाँ काफ़ी ही एकदम आकर्षक और जो कि बहुत अच्छा एकदम अनुभूति होता है, शांति का अनुभूति हो रही है यहाँ पे आके। तो आप ये देख सकते हैं गौ माता हैं और ये हमारे जो कि हनुमान जी हैं, तो ये खा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स मगन हैं अभी खाने में। तो ये कुछ ऐसा खा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद, और ये हमारी गौ माता हैं। तो आइए देखिए, देखते हैं चलते हैं आगे की तरफ को। और देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा ही एकदम जो कि ये जो शिप्रा नदी के किनारे ये धाम बसा है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ ऐसा जो कि यहाँ पे ब्रिज है। तो कुछ इतने भक्त श्रद्धालुगण पहुँचे हैं मंदिर में। तो आप ये देख सकते हैं सामने ही जो कि ये मंदिर है। तो आप जब नीचे देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये शिप्रा नदी है। और मैं हूँ अभी इस जो कि पुल के ऊपर हूँ मैं। और आइए इस तरफ देखें तो ये देख सकते हैं, तो ये नदी काफ़ी ही इसका अच्छा तेज प्रभाव है। और ये देख सकते हैं वानर महाराज, और जो कि ये मेरे बहुत सामने हैं हनुमान जी। तो आइए चलते हैं और ये आप देख सकते हैं। तो आइए आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आप श्री भगवान के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं, पवित्रता एवं मर्यादा का ध्यान रखें, तो ऐसा कुछ आप ये बोर्ड में लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में एंट्री करते ही यहाँ पे हाथ धोने का और यहाँ पे पैर धो करके आदमी पवित्र होकर हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो
हनुमान जी जो कि ये इनको भगवान हनुमान, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मंकीज़ हैं, तो ये कुछ हार्म नहीं पहुँचाते हैं, जस्ट ये जो कि है इनको फूड के लिए यहाँ पे जैसे प्रसाद लोग देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इसलिए रुकते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये मंदिर का जो कि मुख्य द्वार है और परम पूज्य बाबा श्री नीप करोली महाराज जी का जो कि एंट्रेंस गेट है यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं परम पूज्य बाबा श्री नीप करोली महाराज श्री कैंची हनुमान मंदिर तथा आश्रम, अच्छा श्री कैंची हनुमान मंदिर तथा आश्रम श्री कैंची धाम, तो ये कुछ इनमें आपका इनका एड्रेस लिखा है, तो आप ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये अपने भक्त श्रद्धालुगण हैं और यहीं पे जो कि शूज उतारने का है, और आप ये देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अंदर की तरफ चलते हैं और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो जो कि मंदिर परिसर में मोबाइल का प्रयोग ना करें, मोबाइल विद इन द कैंपस इज़ नॉट अलाउडेड और नो कैमरा नो फोन नो कैमरा, तो आप ये देख सकते हैं। तो आइए मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ, फिर जल्द ही मिलते हैं बाहर और कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। आ गया हूँ मैं दर्शन करके अंदर बाबा जी महाराज के, और आइए मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ थोड़ी जो मुझे जानकारी है वो मैं आपके संग साझा करना चाहूँगा। तो जैसे कि जो बाबा नीप करोली महाराज जी का ये धाम है, यहाँ पे जो कि एप्पल के जो को फाउंडर हैं, जो कि एप्पल के ओनर हैं स्टीव जॉब्स, और जो कि फेसबुक के ओनर हैं जो कि मार्क ज़करबर्ग, और ऐसे ही कई महान प्रसिद्ध जो कि हस्तियाँ हैं वो यहाँ बाबा जी के धाम में आ चुकी हैं, और ऐसा है कुछ बाबा जी का धाम। और चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं और शानदार मैं आपके लिए आगे से व्यूज़ लेके आता हूँ, और चलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं आराम करता हूँ। तो कुछ ऐसा है बाबा जी श्री महाराज नीम करोली बाबा जी का धाम, आइए आपके साथ साझा करता हूँ जो मेरे पास जानकारी है यहाँ से। तो जो कि बाबा हैं वो काफ़ी एकदम जो कि मेडिकल जो कि इनकी स्टोरीज़ हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और काफ़ी बहुत सारी बाबा जी के चमत्कारों की स्टोरीज़ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि है एप्पल के जो कोफाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, और फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क ज़करबर्ग, तो ऐसी काफ़ी यहाँ पे जो कि महान हस्तियाँ आकर के मतलब विज़िट किया है उन्होंने, यहाँ पे आई हैं, और ऐसे बाबा के जो कि है काफ़ी बहुत हिस्ट्री है, और जो कि बाबा जी की मिरेकल्स की काफ़ी स्टोरीज़ है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और उनके काफ़ी उपन्यास यहाँ पे जो कि बुक्स मिलती हैं। तो फ्रेंड्स करके आ गए हैं दर्शन श्री बाबा महाराज नीप करोली जी के कैंची धाम, और आइए अब थोड़ा सा कुछ भूख लगा है, तो आइए चलेंगे यहाँ पे जो कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है अनुपम रेस्टोरेंट, और ये जो कि नीप करोली महाराज जी से जस्ट नीचे ही है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके का इसका प्रेमिसेस है। तो आइए अभी रोड के इस तरफ चलेंगे, तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे पीछे जो कि मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, और ये काफ़ी एकदम प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो अनुपम रेस्टोरेंट जिसका एक ब्रांच नैनीताल बड़ा बाज़ार में भी है, जहाँ की नॉनवेज और वेज दोनों ही वहाँ पे मिलता है, तो यहाँ का जो ब्रांच है ये प्योर वेज है। तो आइए चलेंगे इसके अंदर और खाते हैं कुछ यहाँ पे खाना, तो चलिए चलते हैं, ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। ये देख सकते हैं ये जो फैंटेसी फूड है इसके सेकंड फ्लोर में है, तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो कि बाबा जी का जो कि ये है और जो भी मूर्ति लगा है, तो कुछ ऐसा है फ्रेंड्स यहाँ पे सिटिंग स्पेस, और आप ये देख सकते हैं इतना एरिया है, तो अभी मे बी मुझे लग रहा है ये फुल ही चल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं तो ये अभी फुल ही है, तो अभी जस्ट मे बी वेटिंग्स में हमारा जो भी सीट है वो वेटिंग्स में जाएगा, यहाँ पे ज़रा सा वेट करेंगे क्योंकि ये अभी रेस्टोरेंट है, तो थोड़ा आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बिज़ी आवर्स में चल रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और मे बी देखते हैं हम यहाँ पे हमारे लिए स्पेस अभी बनता ही होगा जस्ट, तो नेक्स्ट हम अपना टेबल ले लेंगे, और चलिए ऐसे ही बने रहिए और मिलता हूँ आपको अपना मील खाने के बाद, तो चलिए मिलते हैं। आइए समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे इस शानदार नज़ारे के साथ, और मैं हूँ अभी हल्द्वानी भीमताल रोड में जो स्थित फैमिली हिल्स व्यू फैमिली रेस्टोरेंट में, और यहाँ की चाय बहुत फेमस है,
और आप भी जब भी यहाँ आए तो यहाँ पे ज़रूर ब्रेक लें, और चलिए इंतज़ार कीजिए मेरे नई वीडियो का, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं मेरे किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।